अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अंबेडकर उर्दू न्यूज। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। शहर हैदराबाद में 144 सेक्शन नाफिज। रियासत तेलंगाना में अचानक बड़े पैमाने पर डिप्टी कलेक्टर्स और स्पेशल ग्रेड डिप्टी कलेक्टर्स के तबादले। आबाद में मोमोज खाने के बाद रेशमा बेगम की मौत वाक़े पर GHMC ने होटल मोहर बंद कर दिया। और मुंबई बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 9 अफराद जख्मी। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में सेक्शन 144 नाफिज कर दिया गया है। कमिश्नर पुलिस CV आनंद की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक 27 अक्टूबर की शाम 6 बजे से 28 नवंबर की शाम 6 बजे तक शहर में 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर इम्तना आयद है। उसी तरह इस दौरान जुलूस, धरना, रैली और जलसा मुनाकिद करने की हैदराबाद और सिकंदराबाद में इजाज़त नहीं रहेगी। पुलिस के मुताबिक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कानून की दफा 163 के तहत ये अहकाम जारी किए गए हैं, जिससे सबक में सेक्शन 144 कहा जाता था। इम्तनाई अहकाम के दौरान सिर्फ इंदिरा पार्क पर धरना और एहतजाज की इजाज़त रहेगी। अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। BRS के कारगुजार सदर के तारका रामाराव के निस्बती ब्रादर राज पाकाला को पुलिस की जानिब से नोटिस जारी किए जाने की इत्तलात हैं। शहर के मजाफाती इलाके जनवाड़ा में एक फार्म हाउस में मुनाकशुदनी पार्टी के सिलसिले में नोटिस जारी की गई है। 28 अक्टूबर 2024 की सुबह पुलिस ने गच्ची बोली में वाक़ उनके विला पर नोटिस लगा दिया। मालूम हुआ है कि पार्टी में मंशियात का इस्तेमाल किया गया था या नहीं, या पार्टी के लिए इजाज़त तलब की गई थी या नहीं, इस सिलसिले में पूछताछ के लिए ये नोटिस जारी करने की इत्तलात हैं। रियासत तेलंगाना में अचानक बड़े पैमाने पर डिप्टी कलेक्टर्स और स्पेशल ग्रेड डिप्टी कलेक्टर्स के तबादले कर दिए गए। रियासती हुकूमत ने 47 डिप्टी कलेक्टर्स और 23 स्पेशल डिप्टी कलेक्टर्स के अहकाम जारी किए हैं। रियासत भर में 15 अजला के एडिशनल कलेक्टर्स और 4 अजला के DROs का तबादला किया गया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ज़िले कुमरम भीम आसिफाबाद के एक मौजे में तैराकी के दौरान 3 नौजवान हादसाती तौर पर नदी में डूब गए। तफसीलात के मुताबिक बिजूर मंडल के रहायशी 4 नौजवान प्राणाहिता नदी में तैराकी की गर्ज से उतरे थे कि उनमें से 3 नौजवान, जिनमें 22 साल ज़हीर हुसैन, 19 साल मुईस और 18 साल इरशाद गरखाब हो गए, जबकि एक और खासिम नामी नौजवान नदी से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। इस हादसे की इत्तला खासिम ने दी, मुतवफ़ी के रिश्तेदारों को खासिम ने दी, जिसके बाद पुलिस और रिश्तेदारों ने मच्छरों की मदद से रात भर नौजवानों को तलाश किया और नदी से जहीन नामी नौजवान की नाश बरामद हुई, जबकि बाकी नौजवानों की तलाश हनुज जारी है। पुलिस के मुताबिक मुकामी मच्छरों और तैराकों की मदद से नाशों की तलाश जारी है। मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में इस खसूस में एक शिकायत दर्ज करते हुए मज़ीद तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया है। हैदराबाद में मोमोज खाने की वजह से एक खातून की मौत हो गई। खातून की शिनाख्त 31 साल रेशमा बेगम की हैसियत से हुई है, जो शहर के नंदी रगर संगाड़ी कुंटा की रहने वाली की हैसियत से हुई है। उस वाक़े के बाद GHMC ने फौरी तौर पर इकदाम करते हुए मोमोज तैयार करने वाली होटल को सील कर दिया। बंजारा हिल्स के नंदी नगर में रेशमा बेगम मोमोज खाने के बाद बेहोश हो गई, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। उसके अलावा मजीद 20 अफराद मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जेर इलाज हैं, जिन्हें भी मोमोज खाने के बाद तिब्बी मसाइल का सामना है। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान पता लगाया कि मोमोज चिंतल बस्ती में तैयार किए गए थे। GHMC के अहलकारों ने मुतासरा मोमोज के नमूने जमा करके लेबॉरेटरी में भेज दिए हैं, ताकि मज़ीद तहकीक़ात की जा सकें। इब्तदाई तहकीक़ात से ये बात सामने आई है कि उस कंपनी के पास किसी भी किस्म का इजाज़तनामा मौजूद नहीं था। मज़ीद ये कि मोमोज की तैयारी में गैर मियारी अज़ा इस्तेमाल की गई थी और स्टोरेज के बाद फ़रोख्त किए गए। उस वाक़े के बाद इस बात की निशानदही की गई है कि खाने की मसनूआत की तैयारी और फरोख्त में सख्ती से कवानीन की पाबंदी की ज़रूरत है, ताकि मुस्तकबिल में ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल से बचा जा सके। बाद के इलाके अबिट्स में वाक़े कोयले के खंड में इतवार की रात एक बड़ा आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। पारस पटाखों की दुकान में धमाका हुआ, जिससे शोले बड़ी तादाद में उड़ने लगे। करीब ही एक होटल को भी आग लग गई, जिसकी वजह से लोगों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। जब आग लगने की खबर मिले तो फायर फाइटर्स मौके पर पहुंच गए और उन्होंने 3 फायर इंजन के जरिए आग पर काबू पाया। ये हादसा महकमे इंडोनमेंट के दफ्तर के करीब हुआ, जिसके नतीजे में 10 से ज्यादा 2 पहिए वाली गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गईं। धमाकों की आवाज़ें सुनकर मुकामी अफराद में खौफ में मुबतला हो गए। इस वाक़े में एक खातून भी जख्मी हुई, जिसे फौरी तौर पर इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल जाया गया। लोगों का कहना है कि इस किस्म के वाकयात से उनकी जिंदगियों में अदम तहफ्फुज बढ़ रहा है।
प्रेशर मारो हुकूमत की जानिब से मुल्क में मर्दम शुमारी के लिए इकदाम की इत्तला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आइंदा साल से मर्दम शुमारी के अमल का आगाज़ हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये मर्दम शुमारी 2025 से शुरू होगी जो साल 2026 तक जारी रहेगी। मर्दम शुमारी के बाद लोकसभा सीटों की हदबंदी का रास्ता साफ हो जाएगा। ये बात वाजह नहीं हो सकी है कि यह मर्दम शुमारी ज़ात पात पर मबनी होगी या नहीं, क्योंकि अपोजिशन जमातों की जानिब से इस बात पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इस ताल्लुक से सरकारी तौर पर फौरी कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। मुंबई में वाक़ वेस्टर्न रेलवे के बांद्रा ट्रेन टर्मिनल्स पर गोरखपुर एक्सप्रेस की रवानगी से कबल भगदड़ मच गई। उस हादसे में 9 मुसाफरीन जख्मी हो गए। वेस्टर्न रेलवे के जराए के मुताबिक बांद्रा टर्मिनल्स स्टेशन पर भगदड़ में वाक़े में कम से कम 9 अफराद जख्मी हुए हैं। ये वाक़ा बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस की रवानगी से पहले प्लेटफार्म नंबर 1 पर सुबह तकरीबन 6 बजे पेश आया। जख्मियों की शिनाख्त शब्बीर अब्दुलरहमान 40 साल, परमेश्वर सुखधेर गुप्ता 28 साल, रविंदर हरिहर चोमा 30 साल, राम सेवक रविंदर प्रसाद प्रजापति 29 साल, संजय तिलक राम कांगे 27 साल, दिव्यांशु योगेंद्र यादव 18 साल, मोहम्मद शरीफ शेख 25 साल, इंद्रजीत सोहानी 19 साल और नूर मोहम्मद शेख 18 साल के तौर पर हुई है। 7 अफराद की हालत मुस्तहकम है जबकि 2 की हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है। सुबह 3 बजे के करीब प्लेटफार्म पर काफ़ी रश देखा गया और मुसाफरीन ने ट्रेन के जनरल डब्बे में सवार होने की कोशिश की, जिससे ये भगदड़ मच गई। उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। शहर हैदराबाद में 144 सेक्शन नाफिज। रियासत तेलंगाना में अचानक बड़े पैमाने पर डिप्टी कलेक्टर्स और स्पेशल ग्रेड डिप्टी कलेक्टर्स के तबादले। आबाद में मोमोज खाने के बाद रेशमा बेगम की मौत वाक़े पर जीएचएमसी ने होटल मोहर बंद कर दिया। और मुंबई बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 9 अफराद जख्मी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पज़ीर होती हैं। तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।